नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लाइब्रेरी आती है तो उसके बारे में ट्यूटोरियल देखने वाले हम लोग। तो GIS एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी आती है, जैसे ArcGIS हो गया और जियो टूल्स हो गया और ओपन मैप हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग ओपन मैप के बारे में ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। ओपन मैप ट्यूटोरियल में हम इस सीरीज में हम लोग ने दो ट्यूटोरियल देख चुके हैं। एक तो एडिंग कैसे, शेप फाइल कैसे ऐड करते हैं, और ज्योमेट्री कैसे ऐड करते हैं। ज्योमेट्री यानी पॉइंट हो गया, सर्कल हो गया, तो वो कैसे ऐड करते हैं, तो वो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कैसे एनिमेशन करेंगे मैप पे, और इमेज कैसे ऐड करते हैं मैप पे, और राइट क्लिक मेन्यू कैसे ऐड करते हैं मैप पे और फिर किसी ज्योमेट्रिक शेप पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। मैंने माउस क्लिक किया, माउस क्लिक करने पे इवेंट ऐड किया हुआ है, तो इस तरह से आप लोग को ये एनिमेशन दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से एनिमेशन किया है मैंने कोड के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोग को ये ओपन मैप की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से इस लिंक से आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें ये जिप फाइल ये इस तरह से दिखेगी आपको। फिर इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो इसको इंक्लूड करनी है हम लोग को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये इसमें मेन है ओपन मैप डॉट जार लाइब्रेरी। फिर चलिए नेटबीन्स में देखते हैं हम लोग। ये मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया है, जो कि देख सकते हैं आप लोग। ये 5 लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है मैंने, जो कि यहाँ पे पहले दिखाई थी। ये इसके अंदर जो थी वो मैंने इंक्लूड कर दी है सारी लाइब्रेरी। फिर इसको इंक्लूड करने के बाद अब हम लोग अपनी क्लास बना सकते हैं। फिर ये मैंने एनिमेशन डिस्प्ले पैकेज बनाया हुआ है। फिर इसके बाद ये इसके अंदर 2 जावा फाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर मेन है वो है ओपन एनिमेशन रास्टर करके फाइल है, और एनिमेशन लेयर ये एक और क्लास फाइल है। सबसे पहले ओपन एनिमेशन रास्टर को देखते हैं। फिर इसके अंदर ये मैंने सबसे पहले ये एनिमेशन लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। फिर इसके बाद टाइमर बनाया हुआ है, जिसके थ्रू ये एनिमेशन होगा, और माउस जो क्लिक होगा उसकी पोजीशन के लिए मैंने एक्स और वाई वेरिएबल बनाया हुआ है, और एक मैप बिन का वेरिएबल बनाया हुआ है। फिर ये टाइमर एक्शन लिसनर बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है। तो इसको अब हम लोग बाद में देखते हैं, पहले ये कॉन्स्ट्रक्टर इसका देखते हैं। पहले ये कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर पहले टाइमर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया हुआ है, जो कि 200 मिली सेकेंड पे ये एक्शन होगा। ये जब 200 मिली सेकेंड एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा अपने आप। फिर ये इसको मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा हुआ है, इसको बाद में देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग ये मैप पैनल जो को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैप पैनल को ऑब्जेक्ट ये ऐसे ओवरले मैप पैनल कॉल करके बनता है। फिर उसके बाद ये मैप पैनल में ये कुछ मैप कंपोनेंट ऐड किए हुए मैंने। पहले लेयर हैंडलर, फिर माउस डेलीकेटर, फिर माउस मोड। माउस मोड मेनली माउस को कंट्रोल करता है, जैसे जूम हो गया, पैन हो गया। फिर इसका टूल पैनल ऐड किया मैंने। फिर लेयर्स पैनल, फिर लेयर कंट्रोल बटन पैनल, फिर लेयर ऐड पैनल, फिर स्केल टेक्स्ट पैनल, फिर नेविगेट पैनल, फिर जूम पैनल ऐड किया हुआ है मैंने। फिर ये स्केल टेक्स्ट पैनल ये हो गया, फिर नेविगेट पैनल ये हो गया, फिर जूम पैनल ये हो गया, फिर लेयर्स पैनल ये हो गया, फिर लेयर्स कंट्रोल पैनल ये वाला हो गया, फिर ये लेयर ऐड पैनल ये हो गया। फिर ये यहाँ से हम लोग ये लेयर को
डिस्प्ले का बंद बंद कर सकते हैं, यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं लेयर्स को, और यहाँ से ये जो रास्टर लेयर है उसको भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन अब नहीं दिख रहा है। अब इसको ऑन करने के बाद ये एनिमेशन ये इस तरह से दिख रहा है, तो इस तरह से मैंने ऐड किया हुआ है। तो उसके बाद ये एनिमेशन लेयर को ऑब्जेक्ट बना के फिर इसको ऐड किया हुआ है। ये यहाँ से हम लोग लेयर ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले जो लेयर ऐड की हुई है वो एनिमेशन लेयर ऐड की हुई है, फिर इसके ऊपर ये लैटिट्यूड लेयर ऐड की हुई है जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस दिखा रहा है। ये ग्रेटिट्यूड लेयर है, ग्रेटिट्यूड लेयर को जैसे टर्न ऑफ किया तो वो लाइंस चली गई हैं। तो अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद ये फ्रेम बनाया हुआ है मैंने, ये ओपन मैप फ्रेम का ऑब्जेक्ट है। फिर इसको टाइटल दे दिया सिंपल एनिमेशन मैप, जो कि यहाँ पे दिख रहा है सिंपल एनिमेशन मैप। फिर उसके बाद फ्रेम का साइज स्टार्टिंग में सेट कर दिया है मैंने। फिर उसके बाद मैप पैनल में ये फ्रेम ऐड कर दिया, ये ओपन मैप फ्रेम है। ये जे फ्रेम का को एक्सटेंड किया हुआ है लास्ट में। फिर इसके बाद मैप बीन के अंदर ये माउस लिसनर ऐड किया हुआ है। इसके अंदर माउस क्लिक में ये पहले मैंने चेक किया कि लेफ़्ट क्लिक है कि राइट क्लिक है। फिर इसके बाद अगर लेफ़्ट क्लिक है तब ये सारे फंक्शंस कॉल हो गए। फिर उसके बाद ये सबसे पहले सेट एक्स एक्स में सेट कर दिया जो करंट एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर वाई में सेट कर दिया करंट वाई कोऑर्डिनेट को। फिर उसके बाद मैप बिन का स्केल सेट कर दिया। फिर उसके बाद टाइमर को स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद ये इसमें कुछ नहीं किया है मैंने और बाकी माउस इवेंट्स में। फिर इसके बाद विंडो लिसनर फ्रेम में ऐड कर दिया। ये विंडो क्लोजिंग जब होगा तब फिर ये सिस्टम एग्जिट हो जाएगा, ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेम को विजिबल ट्रू कर दिया। फिर यहाँ भी मैंने ये मैप बिन निकाला और फिर इसको सेंटर इस कोऑर्डिनेट पे सेंटर सेट कर दिया। तो स्टार्टिंग में जो मैप खुलेगा तो इस सेंटर इसके अराउंड होगा 43.0 और -95.0। ये इसमें जैसे ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है -160 ये, और यहाँ पे ये लैटिट्यूड हो गया 50 और ये लॉन्गिट्यूड -150 -140। फिर मैप बिन को स्केल सेट कर दिया। फिर बस ये मेन फंक्शन से ये ओपन एनिमेशन रास्टर का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। फिर हम लोग देखते हैं जो टाइमर बनाया था उसको देखते हैं। फिर ये जो नीचे है ये गेट और सेट मेथड है एनिमेशन लेयर का और फिर टाइमर का, फिर एक्स का और वाई का। उसी तरह से गेट और सेट मेथड ये मैप बिन का भी है। फिर अब हम लोग देखते हैं ये टाइमर एक्शन को। टाइमर एक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले जो पिछला पॉइंट था उसको क्लियर कर दिया, पिछला जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसको क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद एक्स को थोड़ा इंक्रीज किया है, एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा इंक्रीज किया है 0.5 से। फिर इसके बाद ऐड किया पॉइंट उस कोऑर्डिनेट पे एक्स और वाई पे। तो इस तरह से पहले क्लियर होगा फिर इसके बाद ये एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा 0.5 से, तो इस तरह एनिमेशन दिखेगा। फिर उसके बाद मैप बिन को सेंटर कर दिया, मैप को सेंटर कर दिया इस कोऑर्डिनेट पे एक्स और वाई पे। तो ये इस तरह से ये सेंटर पे ये पॉइंट दिख रहा है, ये जो ज्योमेट्री बनाई है वो दिख रहा है सेंटर पे। और ये 200 मिलीसेकंड के बाद ये इवेंट होगा टाइमर इवेंट। तो अब देखते हैं हम लोग एनिमेशन लेयर को, एनिमेशन लेयर का क्लास देखते हैं हम लोग। फिर इसके अंदर सबसे पहले ये ग्राफिक लिस्ट बनाने का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फिर उसको इस तरह से इनिशलाइज कर दिया पहले। फिर
इसके बाद ड्राइंग ड्राइंग टूल ले लिया, ड्राइंग टूल का ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। फिर ये हम लोग देखते हैं कि ये मैंने एरो ज्योमेट्री बनाई हुई है, एरो शेप बनाया हुआ है, तो उसके लिए लेफ्ट लेफ्ट साइड हेड करना है या राइट साइड या टॉप या बॉटम, तो इस तरह से मैंने ये वेरिएबल बनाया हुआ है। फिर इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लेयर का नाम सेट कर दिया, रास्टर लेयर ये नाम हो गया ये इस लेयर का। फिर इसके बाद ये सेट माउस मोड आईडीज फॉर इवेंट ये फंक्शन कॉल कर दिया। फिर इसके अंदर ये जो जेस्चर्स कॉल कर दिया है, ये जो माउस आईडी है उसका नाम जेस्चर कॉल कर दिया है। अदर अदर आईडी को भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। इसमें लेयर को बताना पड़ता है कि किस माउस मोड में उसको लिसन करना है, तो उसके चलते ये उस इवेंट पे ये लिसन कर सकता है, उस मोड माउस मोड पे लिसन कर सकता है। तो इसमें जेस्चर के अलावा ये इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट माउस मोड डॉट माउस आईडी, या तो फिर माउस मोड डॉट मोड आईडी, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये प्रिपेयर मेथड है, प्रिपेयर मेथड के अंदर ये ग्राफिक्स लिस्ट रिटर्न होती है। तो इसने सबसे पहले ग्राफिक्स लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो उसके अंदर जो मैंने जो स्टार्टिंग में ये मूविंग पॉइंट बनाया था ग्राफिक लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर पास कर दिया है। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था मूविंग और ग्राफिक लिस्ट का, तो इसको उसके अंदर पास कर दिया है। फिर इसके बाद ये इसका जनरेट कर दिया, डॉट जनरेट फंक्शन कॉल कर दिया। फिर इसके अंदर प्रोजेक्शन ये पास करना पड़ता है, तो इसके अंदर गेट प्रोजेक्शन जो इनबिल्ट मेथड है उसको कॉल कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद रिटर्न कर दिया ये ग्राफिक्स लिस्ट को। फिर इसके बाद ये क्रिएट एरो हेड को देखते हैं हम लोग, इसको बाद में देखते हैं, इससे पहले हम लोग ये देखते हैं एट पॉइंट्स। एट पॉइंट्स दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एट पॉइंट वन और एट पॉइंट करके। ये इसको मैं दिखाऊंगा आप लोग को। एट पॉइंट्स जो फंक्शन है इसके अंदर ये पॉइंट बनाया, पॉइंट ओ एम पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। फिर इसके अंदर ये लेट और लॉन्ग पास करना पड़ता है, तो इसमें जो लेट होगा वो वाई होगा और एक्स जो होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा। उसके बाद ये विड्थ पास करनी पड़ती है, इसमें विड्थ मैंने बढ़ा के रखी है तभी वो रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। फिर इसके बाद इसको पेंट कर दिया ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। फिर इसके बाद पुट एट्रीब्यूट कर दिया ये टूल टिप, ये एट्रीब्यूट सेट कर दिया मूविंग पॉइंट, इसमें इंडेक्स प्लस प्लस होते जाएगा, और ये लेबल का एट्रीब्यूट सेट कर दिया। तो इसके अंदर इस तरह से कॉल कॉल करना पड़ता है ओ एम टेक्स्ट लेबलर का ऑब्जेक्ट बना के। फिर इसके अंदर ये स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट बनाया था मूविंग पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, ओ एम ग्राफिक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया था उस तो उस उसमें ये ऐड कर दिया इस पॉइंट को। फिर इसके बाद जो स्क्रीन है उसको रिफ्रेश करने के लिए ये डू प्रिपेयर मेथड कॉल कर दिया। फिर उसी तरह से ये जो दूसरा है जो कि इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज ऐड करने के लिए ये यहाँ पे ओ एम स्केलिंग आइकन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओ एम स्केलिंग आइकन के अंदर लेट पहले, फिर लॉन्ग, फिर इसके अंदर इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। इस तरह से न्यू इमेज आइकन ट्रायंगल डॉट पीएनजी, इसने पीएनजी इमेज लेंगे तो पीएनजी इमेज ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने पीएनजी इमेज ली हुई है, यहाँ पे ट्रायंगल डॉट पीएनजी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये पीएनजी इमेज का जो पाथ है वो यहाँ पे पास करना पड़ता है। फिर इसके बाद ये इसके अंदर भी पुट एट्रीब्यूट कर दिया टूल टिप का, ये सेट कर दिया मूविंग ट्रायंगल ये सेट कर दिया, और फिर इसमें लेबल सेट कर दिया, तो उसको इस तरह से न्यू टेक्स्ट लेबलर ये ट्रायंगल लेबल ये इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी। फिर इसके अंदर मूविंग पॉइंट्स के अंदर ये ऐड कर दिया इस आइकन को। फिर
फिर इसके बाद ये डू प्रिपेयर मेथड कॉल कर दिया। फिर इसके बाद ये जो मैंने पॉली लाइन जो बनाई थी, ये पॉली ओ एम पॉली का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फिर इसके अंदर ये जो एरो हेड जो जो बनाया है मैंने, तो वो दिखाता हूँ। वो एरो हेड के लिए मैंने क्रिएट एरो हेड फंक्शन कॉल किया हुआ है। फिर इसके अंदर ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, फिर इसके बाद बेस लेंथ और हाइट पास की हुई है, और इसके अंदर ये टाइप पास किया हुआ है। टाइप के अंदर ये 0 मतलब लेफ्ट एरो, फिर 1 मतलब राइट एरो, फिर 2 के अंदर टॉप एरो, फिर 3 के अंदर अंदर बॉटम एरो आएगा। फिर ये इसके अंदर ये जो करंट माउस क्लिक है वो यहाँ पे दिखा रहा है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। फिर ये यहाँ से यहाँ यहाँ तक ये बेस लेंथ मानी हुई मैंने। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट है। फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? फिर इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स माइनस बेस लेंथ बाय 2। फिर उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स प्लस बेस लेंथ बाय 2। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई प्लस हाइट हो जाएगा इसका। इसमें इस यहाँ पे और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वहाँ वही सेम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है प्रोग्राम में। फिर इसमें ये बेस लेंथ यहाँ पे लिया हुआ है, हाइट यहाँ पे ली हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए हुए हैं। और फिर इसमें एलएल पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि डबल टाइप का है, जो कि डबल टाइप का है। ये यहाँ पे 6 का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है क्योंकि इसमें 6 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हो गए, तो इसके लिए मैंने 6 का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। फिर इसके अंदर सबसे पहले लैट पास करना है, फिर लॉन्गिट्यूड पास करनी है, फिर लैटिट्यूड पास करना है, फिर लॉन्गिट्यूड पास करनी है, तो इस तरह से पास करना है। तो इसमें सबसे पहले ये वाइल जो लैटिट्यूड होगा उसको पॉइंट उसके पहले पास किया हुआ लैट, फिर लॉन्ग, फिर यहाँ पे लैट 2, फिर लॉन्ग 2, फिर यहाँ पे लैट 3, फिर लॉन्ग 3, तो इस ऐसे पास किया है मैंने। फिर ये यहाँ पे फिर ये ओ एम पॉली लाइन के अंदर ये इस तरह से पास करना पड़ता है, पहले लैट फिर लॉन्ग फिर लैट फिर लॉन्ग, फिर इस तरह से पास करना पड़ता है। फिर इसके बाद इसके अंदर ये बताऊँगा अभी मैं इसके अंदर जो जो ये लेट लॉन्ग पास किया हुआ है तो वो किस टाइप का है? ये डेसिमल डिग्री टाइप का है। फिर इसके बाद ये लाइन टाइप पास करना पड़ता है, फिर यहाँ मैंने लाइन टाइप स्ट्रेट पास किया हुआ है मैंने। तो इसके बाद ये तो फिर इसके बाद ये क्लियर मूविंग पॉइंट्स का जो फंक्शन ये है उसके अंदर ये इस तरह से पास करना कॉल करना पड़ता है कि जो ओ एम ग्राफिक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसको डॉट क्लियर करके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद डू प्रिपेयर मेथड कॉल करना पड़ता है। डू प्रिपेयर मेथड से ये मैप को अपडेट कर देगा। फिर इसके बाद ये गेट और सेट मेथड है ओ एम ग्राफिक्स लिस्ट का। फिर उसके बाद इज हाईलाइटेबल ये फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है मैंने, तो इसके अंदर अगर हाईलाइट करना है उस ऑब्जेक्ट को तो उसके लिए मैंने ट्रू पास कर दिया इसको ओवरराइड करके। फिर उस तरह से ये इस सेलेक्टेबल ये फंक्शन है तो इसको भी ओवरराइड करके मैंने ट्रू पास किया हुआ है। फिर उसके बाद ये सेलेक्ट फंक्शन है तो ये सेलेक्ट फंक्शन कॉल होगा। फिर इसके अंदर जब भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जब भी क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट को तो ये फंक्शन कॉल होगा सेलेक्ट और डिसलेक्ट। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट और डिसलेक्ट फंक्शन में कुछ काम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद ये गेट टूल टिप टेक्स्ट ये फंक्शन है, तो ये जब माउस ओवर ले जाएगा किसी उस ऑब्जेक्ट को पे, तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये प्रिंट यहाँ पे देख सकते हैं टूल टिप, ये उसका उसका ये जो टूल टिप सेट किया है मैंने, जो टूल टिप ये सेट एट्रीब्यूट किया हुआ था, तब वो यहाँ पे गेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो राइट क्लिक मेनू है वो कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए ये फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा, गेट आइटम्स फॉर मैप मेन्यू। मैप मेन्यू के लिए ये फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम लोग ये इस तरह से मेन्यू आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे व्हेन व्हेन बटन है तो इसके अंदर ये एक्शन लिस्टनर होगा, वेयर बटन है तो इसके अंदर ये एक्शन लिस्टनर होगा। फिर वैसे तीन तीन मेन्यू बना रखी है मैंने, तीन मेन्यू आइटम बना रखा है, वेयर हाउ और व्हेन का। फिर इसके अंदर ये एल जो लिस्ट है, एरे लिस्ट है, तो उसके अंदर ये ऐड कर दिया है मेन्यू आइटम को, व्हेन को ऐड कर दिया, वेयर को ऐड कर दिया और हाउ को ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा राइट क्लिक मेन्यू में। फिर इसको रिटर्न कर दिया जो लिस्ट है। और इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर राइट क्लिक मेन्यू ऐड करना है तो उसके लिए ये फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये रिटर्न करना है लिस्ट को, इसके अंदर ये गेट आइटम्स फॉर ओएम ग्राफिक्स ग्राफिक मेन्यू को पास किया हुआ है, इसको ओवरराइड करना है। इसके अंदर ये जो भी ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे तो उस वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर भी उसी तरह से ये मेन्यू आइटम ऐड किया बनाया हुआ है, इसमें दो बनाया हुआ है, विच और वाई बनाया हुआ है। तो विच के अंदर ये एक्शन परफॉर्म होगा और उसी तरह से वाई के अंदर ये एक्शन परफॉर्म होगा। फिर लिस्ट में ऐड कर दिया ये विच दोनों जे मेन्यू आइटम को, फिर ये रिटर्न कर दिया। तो इसमें हम लोग प्रिंट देखेंगे कि ये विच के अंदर ये किस आइटम पे ये राइट क्लिक हुआ है, तो वो यहाँ पे टूल टिप से हम लोग देख सकेंगे कि जो जिस पे राइट क्लिक किया हुआ है तो वो वही है कि नहीं नहीं है, वो सही है कि नहीं सही है। तो हम लोग अब देखते हैं ये इसको प्रोग्राम को रन करके। ये अभी अभी मैंने ये जो इमेज को ऐड किया हुआ है तो उसको मैंने उस फंक्शन को मैंने इनेबल किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो ये इमेज यहाँ पे इस तरह से दिखेगी, ये इसको माउस ओवर ले जाएगा तो फिर ये सिलेक्ट हाईलाइट हो रहा है। तो इसको मैं मिनिमाइज करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये जैसे इसको मैंने क्लियर क्लियर कर दिया यहाँ पे, फिर ये जैसे इसके इसके पे माउस ओवर ले जाते हैं तो फिर ये दिखेगा TT करके, ये मूविंग ट्रायंगल जो जो भी लेबल है वहाँ पे। जो टूल टिप है यहाँ पे, जो भी टूल टिप सेट किया हुआ है तो वो यहाँ पे दिखेगा इसके ऊपर माउस ओवर ले जाके। और इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे ये इसका इसका जो लेबल है वो मूविंग ट्रायंगल है, इसको अगर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर विच करेंगे तो ये अभी इसमें ये एरर आ रही है। ये इसमें बोल रहा है कि OM स्केलिंग आइकन कैन नॉट बी कास्ट टू ग्राफिक्स, OM ग्राफिक्स OM पॉइंट पे कास्ट नहीं कर सकते इसको। तो इसको हम लोग देखते हैं अभी। ये एक्चुअली ये जो एरर आ रही है तो वो मेनली ये यहाँ पे जो ग्राफिक्स जो आया हुआ है, OM ग्राफिक्स का जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो उसके मैंने कास्ट किया OM पॉइंट में।
तभी तभी इसके चलते एरर आ रही है। तो ये अगर इसको इनेबल कर दूंगा, ये मैं इसको इनेबल कर देता हूँ अभी। ये मैंने इसको ओएम स्केलिंग आइकन को मेनली टाइपकास्ट किया था ओएम पॉइंट में, तभी ये एरर आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको ये चेंज कर देता हूँ पहले इसको। उसके लिए मैंने ये इसको इसको जो इमेज था उसको उस फंक्शन को बंद कर दिया, मैंने उसको वन सेट कर दिया है, और जो ओ एम पॉइंट वाला था उसको ऑन कर दिया है। तो अब वाली एरर नहीं आएगी। तो अब इसको रन करते हैं हम लोग। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह से एनिमेशन दिखेगा। तो इसको अगर राइट क्लिक करेंगे तो इसको मैंने पहले मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। इसको मैंने क्लियर क्लियर कर देता हूँ पहले। इसके बाद ऊपर माउस माउस ले जाके तो इस तरह से लेबल इसका टूल टिप दिखेगा। और इसको अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक करने के बाद ये अब एरर नहीं आई है। तो इसको विच को क्लिक करने के बाद ये उसका लेबल प्रिंट करेगा। तो इस तरह से मूविंग लेबल 119 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये, और इसमें सेलेक्ट और डिसलेक्ट भी कॉल हुआ होगा। ये करंट सेक्शन लिस्ट ये सिलेक्ट कॉल हुआ है। और इस पे जैसे क्लिक किया तब ये सिलेक्ट और डिसलेक्ट कॉल होता है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग ये सिलेक्शन और डिसलेक्शन, ये करंट डिसलेक्ट लिस्ट और करंट सिलेक्शन लिस्ट ये कॉल हुआ है। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट और डिसलेक्ट फंक्शन में देख सकते हैं हम लोग। ये सिलेक्ट में ये प्रिंट किया हुआ था करंट सिलेक्शन लिस्ट, और डी सिलेक्ट में करंट डी सिलेक्ट लिस्ट किया हुआ था प्रिंट। तो ये अगर इसको इस लेवल को अगर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तब ये सिलेक्ट और डिसलेक्ट कॉल होगा। फिर मैं आप लोग को ये एनिमेशन को बंद करके दिखाता हूँ। तो ये एनिमेशन को यहाँ से बंद कर देते हैं पहले। इसमें क्लियर पॉइंट ये पूरा फंक्शन वो वहीं पे कॉल कर देते हैं। और इसको यहाँ से कॉपी करके जो माउस लिस्टनर था वहीं पे ऐड कर देते हैं, ये यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको इसको ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट स्टॉप कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, और इसके अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। फिर इसके अंदर हम लोग को क्लियर पॉइंट नहीं करना है, और फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट को बढ़ाना भी नहीं है। जिस पे माउस क्लिक किया तो उसी पे ये पॉइंट ऐड करना है हम लोग को। फिर ये सेंटर कर दिया, ये बस इतना ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। पहले इसको बंद कर देता हूँ, अब रन करके देखते हैं हम लोग। इसको रन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। जब माउस क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक किया फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह से ये ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी प्रिंट कर रहा है कि माउस कहाँ पे क्लिक हुआ, और उसका टूल टिप यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे लेके ये 2 है और ये 0 है लेबल, और इसका 1 है। तो इसको पहले क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर अब राइट क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये लेबल 2 है। इसको अगर राइट क्लिक करके इसका विच ये कॉल करें तो सेम ये लेबल प्रिंट करेगा। मतलब सेम को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है, सेम को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये इसका कलर चेंज करवा सकते हैं, इसको मूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये यहाँ पे मेन्यू के अंदर काम करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आप लोग को। और अगर इस प्रोजेक्ट का जो जो नेटबीन्स प्रोजेक्ट है, तो इसका अगर आप लोग को ये फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं ये नेट ये जो टेलीग्राम का जो लिंक है तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग बताएगा कि अगर चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो वहाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर देखेंगे ओपन मैप ट्यूटोरियल के बारे में। तो अब तक के लिए थैंक यू।